मेरे हाथ में ये दो ग्लव्स आप देख रहे होंगे, एक है सॉसेजेस, इसका शेप देखिए आप, सॉसेजेस का शेप है, और ये रहा फिंगर कटिंग ग्लव्स। तो इन दोनों ग्लव्स में डिफरेंस क्या है, और इंटरनेशनल जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं मेजॉरिटी कौन से ग्लव्स को यूज करते हैं इन दोनों ग्लव्स में से, मैं आपको बताऊंगा, और आपके लिए बेस्ट ग्लव्स कौन सा है, आप किसी भी लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हो, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है। तो मेक श्योर करिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, और हाँ मेक श्योर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऑब्वियसली दिस वीडियो इज फॉर ऑल द क्रिकेटिंग कम्युनिटी आउट देयर। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो यार ये देखिए, ये जो ग्लव्स है इसका अगर आप शेप देखेंगे, इसे बोलते हैं सॉसेजेस ग्लव्स, और इसमें इसके शेप में आप डिफरेंस देखिए, ये जो इसमें जो पैडिंग है फोमिंग है फिंगर के ऊपर किस शेप में है, ये देखिए शेप की अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कि फिंगर के ऊपर जो लेयर, जो इतनी मोटी लेयर है, और चाहे कितने भी पेस की बॉल आप खेल रहे हो और किसी भी एंगल में बॉल जो आपकी फिंगर्स में आके टकराएगी, तो जो इम्पैक्ट होगा, फिंगर्स आपके लिटरली दो लेयर नीचे हैं इस ग्लव्स के, एटलीस्ट दो लेयर्स नीचे हैं, तो आप जो बॉल का इंपैक्ट है वो बहुत कम फील करेंगे। और अगर मैं कंपेयर करूं फिंगर कटिंग ग्लव्स से, ये रहे फिंगर कटिंग ग्लव्स, तो उसमें स्पेस इतना होता है, ये देखिए आप, ये पूरा मुड़ जा रहा है, मेरा हाथ मुड़ रहा है ग्लव्स के साथ, ये जो गैप बन रहा है, ये देखिए आप, ये जो गैप है बीच में, यहां से बॉल एंटर करके आपकी फिंगर को इंजर्ड करती है। और आपने काफी प्लेयर्स को देखा भी होगा, इंटरनेशनली देखा होगा, कि उनकी फिंगर ब्रेक करी वो गेम से बाहर हो गए मंथ्स के लिए, काफी महीनों के लिए। तो यार जितने प्रोफेशनल प्लेयर्स है ना, वो सॉसेजेस ग्लव्स यूज करते हैं, सॉसेजेस, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं, ये उसका आप शेप डिफरेंट शेप में इजिली यू कैन सी। और इसकी जो ग्रिप की अगर बात करूं, जब भी आप ग्लव्स आप परचेज करते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो बैट हैंडल पे आपकी फिंगर्स बहुत इजिली आप उन्हें फील कर पाए, जब आप बैट होल्ड करें तो लिटरली आप फिंगर्स को फील करें। तो पहले जो ग्लव्स बनते थे सॉसेजेस, तो उसमें यहां पर पूरे अटैच होता था, ये जो पार्ट है, ये देखिए जैसे मैं अपने फिंगर्स मूव कर रहा हूं, तो ये पार्ट भी स्टिच रहता था। अब लेकिन जो नए ग्लव्स आ रहे हैं उनको सेपरेट कर दिया गया है ऊपर वाले पार्ट से, तो लिटरली अगर मैं अपनी फिंगर नीचे लेके आ रहा हूं, तो मेरी फिंगर इजीली यहां पर हैंडल को फील कर पा रही है, जो कि स्ट्रेंथ थी फिंगर कटिंग ग्लव्स की। अगर आप फिंगर कटिंग ग्लव्स को देखें तो उनकी ग्रिप वाइज वो थोड़ा सा बेटर फील दे रहे थे, लेकिन प्रोटेक्शन इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए इस ग्लव्स के आने से जो फिंगर इंजरी है उसमें बहुत कमी आई है। तो इसलिए जितने भी प्रोफेशनल प्लेयर्स है ना, वो इसको यूज करते हैं। अब आपके लिए बेटर क्या है, अगर आप बाउंसी ट्रैक्स पे खेल रहे हैं जहां पर पेसर्स आपके लिटरली आपके इस एरिया को टारगेट कर रहे हैं, ग्लव्स में आपके बॉल आके लग रही है बार बार, तो आप ये ग्लव्स ट्राई करिए, इसको यूज करो। काफी लोग आप लोग शायद यूज कर भी रहे हो, लेकिन अगर जो यूज नहीं कर रहे हैं तो सॉसेज ट्राई करें। और हाँ, अगर बॉल ज्यादा बाउंस नहीं कर रहे हैं, आप हैबिचुअल रहे स्टार्टिंग से और आपकी फिंगर में लगने का कम खतरा है, ज्यादा बाउंस नहीं है विकेट्स पे और ज्यादा पेसी गेंदबाज को आप फेस नहीं कर रहे हैं, तो फिंगर कटिंग आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये जो ग्लव्स हैं, अगेन आई विल रिपीट, ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स, मेजॉरिटी ऑफ देम उसको यूज करते हैं, बिकॉज एक तो प्रोटेक्टिव लेयर कमाल की है, और ये जो इशू आ रहा था ना ग्रिप को लेके, वो भी सेपरेट कर दिया गया यहां से। अब इनकी जो ग्रिपिंग है वो देखिए, मैं ऐसे हाथ को ऐसे करूंगा तो ये फिंगर वाला पार्ट तो नीचे, और कभी इंजरी आपको यहां होनी नहीं है, यहां पर आके बॉल लगेगी भी नहीं ऑब्वियसली, इन एरिया में आपकी टेक्निक बहुत बुरी होगी तब आपको लगेगी, अदरवाइज मेजॉरिटी जो बॉल जो हिट करती है हैंड्स पे, तो ऑब्वियसली वो यहाँ करेगी, तो उसके लिए जबरदस्त प्रोटेक्शन है। तो मेरी तरफ से प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए ये, और अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, नया क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, इतने पेसी बॉल्स को नहीं खेल रहे हैं, तब आप फिंगर कटिंग ग्लव्स ट्राई कर सकते हैं। मेक श्योर करिए आप जरूर बताइए कि आपके फेवरेट ग्लव्स कौन से हैं, क्या आपने कभी ये सॉसेज ट्राई करे हैं, और अगर करे हैं तो उनमें से बेटर कौन सा लगा, फिंगर कटिंग या सॉसेज ग्लव्स, कॉमेंट करिए और बताइए। और हाँ, स्पोर्ट लॉन्चपैड को फॉलो करते रहिए।